हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभेरा। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश का भाग नंबर 8 में आज आपको पढ़ाऊंगा। भाग नंबर 8 में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार, लास्ट टॉपिक था उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किन किन जिलों में कौन कौन से वन्य विहार हैं, कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पिकआउट किया क्योंकि हर साल एग्जाम में आपसे एक ना एक क्वेश्चन वन्य विहार से पूछ लिया जाता है और पूछा जाता रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो वन्य जीव विहार होता क्या है। वन्य जीव विहार होता है जो पशुओं की प्रजाति लुप्त हो रही है, विलुप्त होने के कगार में है, उनका संरक्षण देख रेख करने के लिए भारत के सभी राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव विहार की स्थापना की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं किसी विशेष जगह पे कोई ना कोई पशु इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे पाया जाता है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए और दूर दूर से पशु जीव जंतु मंगाए जाते हैं, यहाँ पे वन्य जीव विहार में उनका संरक्षण किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 11 वन्य जीव विहार है। टोटल कितने, 11 जीव वन्य विहार है। अगर पक्षी विहार की बात करें तो 12 पक्षी विहार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन किन जिलों में है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम वन्य जीव विहार की बात करें तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, याद कर लीजिए। और यह टोटल 78 वर्ग किलोमीटर दूरी दिया गया है, ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पे है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, 78 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया, और या तो कभी-कभार ये यूपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे कथन और निष्कर्ष पे भी इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब पूरा डेटा आपको मालूम रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब इससे ये क्वेश्चन उठता है कि उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव विहार कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और ये कहां पर है, चंदौली में, और ये पहला वन्यजीव विहार है क्योंकि 1957 के पहले कोई भी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं किया गया था और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, पहला वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चलिए सेकंड देखते हैं, किशनपुर वन्यजीव विहार। अगर हम किशनपुर वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, किशनपुर वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आपका किशनपुर वन्यजीव विहार है। और लखीमपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर, तो लखीमपुर में कौन सा है, आपका किशनपुर वन्यजीव विहार, यह 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, कतर्निया वन्यजीव विहार। अगर हम कतर्निया वन्यजीव, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार, पूरा नाम देखिए क्या है, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है और ये टोटल 400 किलोमीटर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है, बनाया गया है और इसकी स्थापना 1972 के 4 वर्षों बाद 1976 ईस्वी में की गई, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार। चलिए अगला देखते हैं, रानीपुर वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न जो जिला है वो है बांदा। तो बांदा जिले में आपका कौन सा वन्यजीव विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार। यह टोटल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना कतर्निया घाट वन्यजीव विहार के 1 वर्ष बाद कहाँ पे, बांदा में की गई, 1977 ईस्वी में किया गया, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, महावीर स्वामी, तो उनके नाम पे वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, यानी ये वन्यजीव विहार कहाँ पे बनाया गया, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बनाया गया, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ललितपुर वही जिला है जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर जिला। तो यहाँ पे कौन सा वन्यजीव विहार है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार, याद कर लीजिए, सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में ही की गई। 1977 में दो वन्यजीव विहार थी, कौन कौन सा, रानीपुर वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। चलिए अगले वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। अगर हम इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस वन्यजीव विहार है, हमेशा न्यूज में छाया रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा और इटावा जिले में है, दो जिले में है उत्तर प्रदेश की, आगरा और इटावा दोनों जिले में उत्तर ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, मतलब दो जिलों में ये पूरा फैला हुआ है और यह
दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा जीव वन्य विहार, ये 635 वर्ग किलोमीटर एरिया में पूरा फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बात करेंगे कैमूर वन्य जीव विहार। अगर हम कैमूर वन्य जीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पर है, कैमूर वन्य जीव विहार इंपॉर्टेंट है। कैमूर वन्य जीव विहार ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र इन दोनों जिलों में ये पूरा फैला हुआ है, दो जिले में यानी ये वन्य जीव विहार है। मतलब कोई कोई वन्य जीव विहार सिर्फ एक ही जिले में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वन्य जीव विहार आपको मिलेंगे जो दो तीन चार जिलों में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का, कहाँ पे है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। कौन सा, कैमूर वन्य जीव विहार। ये अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो ये 501 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है, बनाया गया है, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका महाभारत से संबंधित है। कौरव और पांडव के बीच में जो राज्य था वो हस्तिनापुर, आप समझ ही रहे होंगे। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। ये 2073 किलोमीटर क्षेत्रफल में पूरा फैला हुआ है और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। लिख लीजिए, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, इंपॉर्टेंट है। कितने क्षेत्रफल में है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। और ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है ये याद कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के चार जिलों में फैला हुआ है, कौन कौन से है, एक हो गया मेरठ, ठीक है, दूसरा हो गया मुरादाबाद, तीसरा हो गया मुजफ्फरनगर और चौथा हो गया गाजियाबाद। तो इम्पोर्टेंट है, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और गाजियाबाद, चार जिलों में ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। मतलब इन चार जिलों में ये वन्यजीव विहार पूरी तरीके से बनाया गया है, चार जिलों को जोड़ा गया है वन्यजीव विहार से। अगले वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो अगला वन्यजीव विहार है सोहागी वन्यजीव विहार। सोहागी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, ये आपका महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। अब महाराजगंज जिला ये कहाँ पर है, ये नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, नेपाल से सीमा बनाने वाला जो जिला है ये महाराजगंज है, ठीक है। तो महाराजगंज जिले में बलिया के आसपास पड़ता है, ठीक है, बलिया गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल के आसपास ये पूरा पड़ता है, तो महाराजगंज जिले में है। कौन सा, सोहागी वन्यजीव विहार। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वन्यजीव विहार की अगर हम बात करेंगे तो सुहेलवा वन्यजीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो सुहेलवा एक बहुत बड़े राजा थे उत्तर प्रदेश के, जो बहराइच और बुंदेली पाटन मंडल में ये रहा करते थे, इनका शासन चलता था, उन्हीं के नाम पे सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है। और सुहेलवा वन्यजीव विहार यह है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच और गोंडा जिले में, दो जिले में ये पूरा वन्यजीव विहार बनाया गया है, फैला हुआ है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई और यह 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए लास्ट वन्यजीव विहार की हम बात करें तो लास्ट 11वां वन्यजीव विहार वो है कछुआ वन्यजीव विहार। कौन सा, किछुआ वन्यजीव विहार, नाम याद कर लीजिए, किछुआ वन्यजीव विहार। किछुआ वन्यजीव विहार ये कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मतलब काशी, उत्तर प्रदेश के काशी जिले में है और इसका नया नाम वाराणसी हो गया, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, किछुआ वन्यजीव विहार, जो मात्र 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई और सबसे जो समझ लीजिए लास्ट ये वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना की गई है, तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, गिरावा वन्यजीव विहार, किछुआ वन्यजीव विहार। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, जितना मैंने बताया वन्यजीव विहार के बारे में, इससे पहले मैंने पक्षी अभ्यारण्य पर भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो और ये वीडियो दोनों को कंपेयर करके, दोनों को कंपेयर किया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो अगर आप देख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए जितना मैं बता रहा हूँ वन्यजीव विहार के बारे में, समझ लीजिए अगर आप ये एक वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं आपका तैयार हो जाता है, तो एक नंबर आपसे कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लाखों फॉर्म पड़ते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना है, हर एक टॉपिक को देखना है। तो वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तभी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सिलेबस के साथ, कुछ अदर क्वेश्चन के साथ, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो मैं जैसे ही डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।